हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। इसे हम फ्राइड आलू के साथ बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है और ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए 1 कप मूंग दाल को मैंने वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4 घंटे बाद इसको मैंने पानी से छान लिया है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ मैं। यहाँ पर लहसुन अदरक को मैंने दरदरा कूट लिया है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें जीरा, लौंग, इलायची और काली मिर्च है, और 2 मीडियम साइज के प्याज का भी मैंने प्यूरी बना लिया है। सबसे पहले हम कुकर गर्म करेंगे। कुकर में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं जो खड़े मसाले ली थी उसको डाल दूँगी। जब मसाले अच्छे से तड़क जाएंगे, मसालों का कलर चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना के रखे थे उसको डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक भूनेंगे, इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। अब मैंने जो प्याज की प्यूरी बना के रखी थी उसको डाल दूंगी। इसको भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने तक भूनेंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें जो टमाटर की प्यूरी बना के रखे थे उसको भी भून लेंगे। ऐसे मसालों को पहले भून लेने से दाल की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है और बाद में हमें फ्राई व्राई करने का कोई टेंशन नहीं रहता है, सब साथ साथ में ही होते जाता है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, एक चम्मच मैं यहाँ पे छोला मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे गरम मसाला या सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे टमाटर और प्याज को। थोड़ी देर भूनने के बाद हमने जो मूंग दाल वॉश करके भिगो के रखा था उसको डाल देंगे। मूंग दाल को मैंने पहले से बॉयल करके नहीं रखा है, सब साथ साथ में ही पक जाएगा। कुछ देर मसालों के साथ उसको ऐसे पकाएंगे। दो तीन मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 1/2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब जिस क्वांटिटी में दाल ले रहे हैं उस हिसाब से पानी डालें। अब इसको एक बार चला के हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब 4 से 5 सीटी लगने देंगे, लो फ्लेम पे करके 4 से 5 सीटी लगने देंगे। इधर मैंने आलू को पीसेस में काट लिए हैं, लंबे लंबे स्लाइसेस में। इसको एक कढ़ाई में मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। इसमें एक अच्छा कलर आने तक और पकने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राइड आलू डालने से बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम नमक हल्दी भी डाल देंगे ताकि आलू में नमक और हल्दी का टेस्ट आ जाए। नमक हल्दी के साथ इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में। देखिए इतना अच्छा कलर आ गया है हमारे आलू में और ये अच्छे से पक भी गया है। देखिए यहाँ पर मैं कट करके दिखा रही हूँ। अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कुकर का कैप खोल के हम देखेंगे, दाल हमारी पक गई है। यहाँ पर मैंने 5 सीटी लगाया था। 5 सीटी लगने के बाद कुकर का कैप खोल के चेक कर लेंगे। देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी बनी है, दाल अच्छे से गल गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। अब इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमने आलू फ्राई किया था उससे इसको डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। जब हम सर्व करेंगे तो इसको ऐसे साइड से, एक साइड से निकाल के सर्व करेंगे। देखिए सारे आलू के पीसेस को मैंने दाल के ऊपर से डाल दिया है। अब इसको लास्ट में हम एक बार तड़का देंगे हींग और जीरे की। 2 चम्मच ऑयल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, 1/2 चम्मच जीरा और 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे इसमें।
इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हम ऐसे पकाएंगे, जैसे दाल फ्राई वगैरह में छौंक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम दाल में डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।